हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल वाली सोयाबीन की सब्जी, जो कि नॉर्मल सोयाबीन की सब्जी से बहुत ही अलग होगी और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अगर आप एक बार इस सब्जी को खा लीजिएगा तो आप हर बार सोयाबीन की सब्जी को ऐसे ही बनाइएगा। इस सब्जी को आप काजू सोयाबीन की सब्जी भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए सोयाबीन। तो यहाँ पर सोयाबीन जो है वो मिनी चंक्स है, जिनको मैं नमक डालकर अच्छे से बॉयल करके निचोड़ ली हूँ। इसके बाद हम काट लेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर है सबसे पहले प्याज। तो मैं यहाँ पर ली हूँ 3 बड़े साइज के प्याज, इन्हें बारीक काट लेना है। साथ में हम लेंगे आधा टमाटर, उसे भी बारीक काट लेंगे। इसके अलावा है 2 हरी मिर्च, इनको भी बारीक काट लेना है। और यहाँ पर है आधा शिमला मिर्च, जिनको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काटी हूँ। इसके अलावा हमें चाहिए कुछ सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में हमें लेना है सबसे पहले नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा 1 चम्मच के जितना, थोड़ा सा गरम मसाला और जीरा पाउडर, ये भी हमें 1 चम्मच लेना है। इसके अलावा हमें चाहिए 2 तेज पत्ता। फिर हम मसाला का एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर है 15 से 20 लहसुन, 1 इंच के जितना अदरक, 3 हरी मिर्च और आधा से भी कम हमें लेना है टमाटर। इन सब का हमें पेस्ट बना लेना है। इसके बाद हमें चाहिए 15 से 20 काजू, जिसको हम 2 टुकड़ों में कर लेंगे। तो हमारा सारा सामान जो है वो तैयार है। अब चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई गरम करेंगे और इसके बाद इसमें हमें डाल देना है सरसों का तेल। ध्यान रहे, हमें सरसों के तेल में ही सब्जी को बनाना है। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके बाद जो सोयाबीन को हम बॉईल करके रखे थे उसे इसमें डाल देंगे। मैं यहाँ पर मिनी चंक्स यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो बड़े वाले जो सोया बड़ी होते हैं उनको भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद इसको हम धीमी आँच में अच्छे से थोड़ी देर तक भूनेंगे। यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ। ध्यान रहे, सोयाबीन में हम पहले भी नमक डाल चुके हैं। तो इसके बाद सोयाबीन को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्का सा गोल्डन कलर का ना हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से भून गया है। तो इसके बाद इन सबको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सोयाबीन की सब्जी बनाते समय अगर आप सोयाबीन को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं तो इससे जो सब्जी का टेस्ट है वो दुगुना हो जाता है। इसके बाद हम उसी कढ़ाई में फिर से डालेंगे तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा ही लेना है और तेल जब गर्म हो जाए तो यहाँ पर जो काजू थे उसको हम डाल देंगे। काजू डालकर इसको हम अच्छे से हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे धीमी आँच में। इसके बाद इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर जो कढ़ाई में एक्स्ट्रा तेल बचा था उसमें हमें डाल देना है तेज पत्ता, जीरा। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज और साथ ही साथ हमें डाल देना है हरी मिर्च। अब प्याज और हरी मिर्च इन्हें हमें अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पर मैं फिर से डाल दे रही हूँ थोड़ा सा नमक ताकि प्याज जल्दी भून जाए। और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक प्याज हल्का गुलाबी ना हो जाए। इतनी देर में मैं यहाँ पर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर को पीस कर इसका पेस्ट तैयार कर ली हूँ। और इधर आप देख सकते हैं कि जो प्याज है ये बहुत ही अच्छे से भुन गया है, हल्का गुलाबी हो गया है। तो फिर यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ टमाटर। अब टमाटर को डालकर इसको भी 1 मिनट तक भून लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ सूखे मसाले, जैसे हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा नमक। अब सूखे मसाले डालकर इसे हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला जो है कि भून गया है। तो इसके बाद जो हम पेस्ट तैयार करके रखे थे उसे इसमें डाल देंगे। इसे मैं पानी से अच्छे से धोकर डाल दे रही हूँ ताकि मसाला ज़रा सा भी वेस्ट ना हो। अब सभी मसाले को हमें धीमी आंच में बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है। इसे तब तक भूनेंगे जब तक इससे तेल अलग ना होने लगे।
और इसके बाद यहाँ पर हमें डाल देना है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमें लास्ट में ही डालना है, क्योंकि अगर हम इसे पहले डालेंगे तो ये एकदम से गल जाएगी और ग्रेवी में घुल जाएगी, इसलिए इसे लास्ट में डालेंगे और थोड़ी देर तक भून लेंगे। तो जो मसाला है ये अच्छे से भून गया है, तो इसके बाद जो सोयाबीन को हम फ्राई करके रखे थे उसे इसमें डाल देंगे। सोयाबीन को भी मसाले के साथ 2 मिनट के जैसा भून लेंगे ताकि इसमें भी मसाला का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इसके बाद इसमें हमें डालना है पानी, तो पानी अपनी ज़रूरत के अनुसार डालेंगे, बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं डालना है, क्योंकि अगर इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत पतली हो जाएगी तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। इसके बाद इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। फिर जो काजू को हम फ्राई करके रखे थे उसे भी इसमें डाल देना है, और जो गरम मसाला था उसे हम कूट लेंगे। इसके बाद इसमें हम गरम मसाला को भी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इसके बाद सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसे हमें ढककर पकाना है। तो यहाँ पर मैं ढक्कन लगा दे रही हूँ, और ढक्कन लगाकर इसे हम 2 से 3 मिनट तक एकदम धीमी आंच में पका लेंगे। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं ढक्कन हटा रही हूँ और जो हमारी सब्जी है ये कितनी ज़्यादा टेस्टी दिख रही है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। सब्जी का कलर आप देख सकते हैं, इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं, बहुत ही लजीज ये सब्जी बनी है। इसे आप रोटी, पराठा, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस बार सोयाबीन की सब्जी को आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।